गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए यार। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रिट्स एक बहुत ही प्यारी वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि आज क्या है, मेरा प्रैंक का मूड नहीं है। सामने एक लड़की बैठी है यार उदासी, और आपको पता है जब सामने वाला उदास होता है ना, लोग परेशान होते हैं, तो यार मुझे ना भगवान एक नोटिफिकेशन दे देता है कि यार अब ये बंदा परेशान है, जा इसके चेहरे पर थोड़ी कैसे भी मुस्कान लेके आ। तो सामने एक लड़की काफ़ी देर से रो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान दुखी सी लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। देखो वो शेयर करती है नहीं करती है तो वीडियो में पता चलेगा। बाकी एक बार आप कैमरा साइड में करके दिखा दो, वो बंदी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही है यार। बंदी ना एक बार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अब देखो भगवान ने बोला है एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं यार, बहुत परेशान से लग रही है, एक बार चलते हैं और कोशिश करते हैं किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की। हाय कैसे हो आप? बढ़िया। हाय, क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा यार नाम तो आपका बहुत प्यारा है, लेकिन आपकी आपका फेस भी बहुत प्यारा है, लेकिन आप परेशान से लग रहे हो। मैंने कहा यार बात करती हूँ, लड़की को क्या हो गया? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी रिलेशनशिप को लेकर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या हो गया रिलेशनशिप में? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की इज्जत का बहुत ख्याल रखना चाहती हूँ, पर जिससे मैं प्यार करती हूँ ना वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो धमकी देता है मुझे कि मैं एसिड डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, एसिड। सीरियसली? सीरियसली वो नहीं छोड़ना चाहता है एसिड। तो आपने कंप्लेन वम्प्लेन नहीं की उसकी? कुछ नहीं, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं ना अपने मम्मी पापा के आगे नहीं जाना चाहती। अच्छा, कहीं का गुंडा वुंडा है क्या? शायद कुछ ऐसी गुंडा वुंडा है जी। तो यार आप डर क्यों रहे हो, मुझे ये बताओ पहले। मुझे डर लगता आपको है, आपको पता है गर्ल्स की पावर कितनी है आज के टाइम में, आप फिर भी इतना डर रहे हो। आपने मम्मी पापा से शेयर किया आपने? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी पापा से क्यों शेयर नहीं कर रहे आप, ये बताओ पहले। मुझे डर इसलिए लगता कहीं वो अपने आप को कुछ ना कर ले। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। तो आपको लगता है आप मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है इन चीज़ों से बाहर आने में? यार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते यार? आप फैमिली को नहीं बता सकती कि वो ऐसे हैं। बट क्यों? मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि मैं उनको बिल्कुल हर्ट नहीं पहुंचाना चाहती अपनी फैमिली को। कि मतलब तुम किसका रिलेशनशिप में हो? वो के बारे में सोचते हैं, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, उसे मैं छोड़ना चाहती हूँ। लड़का कहाँ से है? लड़का भी दिल्ली से ही है। और कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप में? एक साल हो गया हमें। और एक साल से ही चल रहा है या कब से चल रहा है? एक साल से ही चल रहा है ऐसा। झगड़ा बहुत होता है हम दोनों के बीच में, झगड़ा बहुत होता है। ओवरऑल बात ये, आप रहना नहीं चाहते उसके साथ? नहीं, मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। तो अभी आप फोन पे भी बात कर रही थी कि मतलब क्या बात हो रही थी फोन पे? मैं रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती हूँ, पर वो मुझे धमकियाँ दे जा रहा है। यार आपको कंप्लेन करनी चाहिए या पेरेंट्स, आपकी पता नहीं क्यों ऐसे सोच है। पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे यार। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे डर लगता है मेरे मम्मी पापा है उनकी इज्जत वगैरह में कि घर से आना जाना बंद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि मुझे घर से बाहर निकलना, मेरी पढ़ाई मेरी जॉब वगैरह मुझे रोक टोक ना करे, इसलिए मुझे डर लगता है। यार प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक गलत इंसान से प्यार करना ना बहुत बड़ी गलती है। बहुत ज़्यादा गलती है, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। मुझे पहले पता हुआ था मैं नहीं रहती इसके साथ, पर वो मेरे साथ ओवर रिएक्ट करता है। मैं सीरियसली में सीरियस करती हूँ मैं, पर वो सीरियस नहीं लेता। आप एक काम करो, उसको फ़ोन मिला के उससे बोल दो कि एक बार कि मुझे रहना नहीं है तेरे साथ। आप एक काम करो, आप मुझे उसका नंबर शेयर करो एक बार। 8954। यही है ना, एक बार चेक करना। यही है? नहीं, ये नहीं वाला? नहीं, ये भी नहीं है, नीचे वाला है, नीचे नीचे यही है। आपका नाम क्या है? हेलो। हेलो। हाय, आप साइमा की बड़ी बहन बात कर रही हूँ मैं। मैंने यार, मेरे को आज इसने सब कुछ बताया कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इससे दुखी करके रखा है, और बोलते हो एसिड वैसिड फेंक दूंगा, पता नहीं कैसी कैसी बेकार सी बातें, इलॉजिकल बातें। तो ये सब क्या चल रहा है, बताओगे आप मुझे? आप कौन हो?
मैं उसकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन हूँ मैं आपको बता तो रही हूँ, छोटी बहन है वो मेरी, मेरे साथ में ही बैठी है। उसने आज मुझे बहुत मुश्किलों से शेयर किया है सारी बातें कि ये चल रहा है। यार मुझे खुद परेशान करती रहती है वो हर टाइम। अच्छा वो तुम्हें परेशान करती है? हाँ। और तुम ये बोल रहे हो कि एसिड फेंक दूंगा, तुम्हें पता है तुमने क्या बोला उससे? परेशान करके रखा है यार, वो नहीं करना चाहती तुमसे बात, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि पहले तुमने दिखाया था ना कि अच्छा बनके बहुत ज्यादा, अब रिलेशनशिप में पता लग रहा ना उसे कैसे हो तुम एक्चुअल में। यार भाई मेरी बात सुन, ठीक है आज की बात ना इस साइमा को कॉल वॉल मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा समझे। ये जो मैं उसकी भाई सुन, मैं उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ तुझसे, ठीक है? तो मैं उसकी फैमिली हूँ ना, मुझे उससे बात करनी है। ये ले स्पीकर, अच्छा तेरी रहेगी वो, तेरी वो है, वो मेरी रहेगी। वो मेरी बात सुन, स्पीकर प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो तुझसे बात करना चाहती मतलब नहीं करना चाहती, और ये तेरे मुंह से वो अपने मुंह से वो बक रही है, स्पीकर पे फोन है, बोलो उससे। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रह सकती, क्या बात है? मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? नहीं रहना मुझे। पहले से क्यों रह रही, फिर से नहीं रह रही, अब क्या हो गया? पता चला ना उसे तुम ऐसे हो, तुम्हारी करतूते क्या है, एसिड फेंक दूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसी बात करते हुए, मेरी नहीं तो किसी की? यार वो नहीं रहना चाहती, वो इरिटेट हो गई है तुमसे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? प्यार की भाषा समझ आती है तो बताओ, वरना कुछ और सोल्यूशन निकालूंगी मैं। क्या सोल्यूशन निकालोगे तुम? क्योंकि कुछ भी करो, अच्छा एक लड़की की कदरी करोगे तुम, कुछ भी करो, वो नहीं रहना चाहती। गुंडे हो गए तुम अपने घर के, अपने शहर के, ठीक है? अगर एक लड़की का अगर एक लड़की ने बोल दिया नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, समझ में नहीं आती, उसने बोल दिया बात नहीं करनी तो नहीं करनी, लड़की ने बोल दिया कुछ ठीक है, मतलब हमारा कुछ नहीं है, तो वो नहीं रहना चाहती ना? क्यों नहीं रहना चाहती? मैं मतलब कुछ बोलता नहीं यार, वो बता रही है तुम उसको, वो बता रही है कि फॉलो करते हो उसको, पता नहीं कैसे कैसी धमकियां देते हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्यों यार? तुम्हारे बाप की जागीर है क्या वो लड़की? उसके माँ बाप है? अच्छा मैं कुछ भी मेरी मर्जी है। देख अगर तू समझ जाते है प्यार से तो ठीक है, वरना देख मेरा YouTube पे चैनल है और पब्लिकली तेरी ये जो बातें है ना सारी पब्लिक सुन रही है, समझा? अच्छा हाँ, अच्छा नहीं हाँ तो, और तो कह रही थी अभी क्या मतलब मैं इसकी बहन बोल रही हूँ? हाँ बहन हूँ मैं इसकी, बड़ी बहन हूँ। अच्छा तो तुझे अगर समझना तो समझ ले, प्यार की भाषा नहीं आती तो मैं एक्सपोज कर दूंगी, पब्लिकली शेयर कर दूंगी कि क्या क्या कर रहा है तू, एक लड़की को बोल रहा है एसिड फेंक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक लड़की ने अगर तुमसे बात कर ली इसका मतलब ये नहीं है वो तुम्हारी बाप की प्रॉपर्टी हो गई, समझा? आपका यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल है और पब्लिक देख रही है अभी इस वक्त लाइव, समझा? सॉरी तो आज पे नहीं करूंगा, मैं इसको फॉलो नहीं, इसको कुछ बोलूंगा, ठीक है? ऊपर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरे को पता चला ना ये लड़की, इसका मैंने नंबर ले लिया है, वो बंदी कब से परेशान है, रो रही है, अगर अब पता चला ना मुझे कि तू इसको एक बार भी परेशान करे, कसम बता रही हूँ बिना फेस ब्लर करे, नंबर के साथ हर चीज पूरा पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगी अगर तूने इसको परेशान किया तो। और ये एसिड फेंकने वाली जो बातें कर रहे ना, अभी ये लड़की अगर पुलिस स्टेशन गई ना कंप्लेन कर दी तो तू सोच भी नहीं सकता तेरा क्या होगा। यार तेरी घर पे बहन है, तेरी घर पे बहन है, अगर उसे कोई लड़का ऐसे बोलेगा तेरे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा तू सिर्फ मेरी है तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ वो तो लगेगा यार, पर मुझे पता नहीं था ना, मतलब मैं ये चाह रहा था शायद उससे प्यार करती होगी तो इसलिए बोल रहा था मैं ऐसे मान जाए। अगर वो प्यार करती होती ना वो अकेले बैठ के रो ना रही होती, प्यार का मतलब है सामने वाले को खुशी देना, ना कि इतना इरिटेट करना कि वो तुमसे दुखी होकर तुम्हें छोड़ के चला जाए। मैं सोच रहा था शायद ऐसे मान जाए। नहीं मिलता ऐसे सब कुछ, इज्जत देनी पड़ती है एक लड़की को साथ रहने के लिए, और अगर तूने इन फ्यूचर इसे दोबारा परेशान किया, कुछ किया, गाली गलौज की या फिर उसे फोन करके परेशान करा, कसम बता रही हूँ मैं अच्छा नहीं होगा। और तुम जैसे लड़कों से ना सख्त नफरत है, जो एक लड़की अगर बात कर लेती है ना तो तुम समझते हो कि तुम्हारी बाप की जागीर है, प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी, तुम्हारे साथ रहेगी, ऐसा नहीं होता, उसके पेरेंट्स है, उसके माँ बाप है, उसके भाई बहन है, फैमिली है उसकी। गलती हुई है और उसे सॉरी बोलो कि आज के बाद उसे कभी परेशान नहीं करोगे, वो परेशान हो रही है और मैं देख नहीं पा रही हूँ उसे ऐसे। ठीक है आज
के बाद परेशान स्पीकर पे फोन है बोलो सॉरी सॉरी आज के बाद परेशान नहीं करूँगा मैं मेरे पास कभी कॉल मत करना ठीक है नहीं करूँगा ठीक है अगर कोई ऐसा करता है ना तो सीधा 100 नंबर पे कॉल लगाओ और इन लोगों की कंप्लेन करो क्योंकि हम कुछ करते नहीं है ना तो इसी चीज का ये लोग फायदा और एक बात मैं बता दूं अपने फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने करियर को लेकर फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ इसलिए मैं सेट रूम बैठ जाती हूँ मुझे पता है क्योंकि यार होता है ना मम्मी पापा की ये सोच होती है कि यार लड़की की गलती है सारी लेकिन ऐसा नहीं होता ना लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूँ माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है अगर तुम पेरेंट्स को शेयर भी करती ना तो इस चीज़ का सोल्यूशन वो अपने आप निकाल लेते हैं क्लास फैमिली से हूँ मुझे इसलिए डर लगता है नहीं होगा आप सब सही है और देखो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर मैं तुम्हें दे रही हूँ एक बार दिखाओ मैं तुम्हें अपना नंबर शेयर कर रही हूँ कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे बता देना ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम होती है अगर ये लड़का दोबारा परेशान करता है कुछ भी करता है और छोटी बहन हो तुम मेरी याद से साइना तुम्हारा नाम और देखो स्माइल करती है इतनी प्यारी लगती हो चलो आओ अकेले नहीं हो ठीक है बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी है दुनिया में जो बिना किसी मतलब के तुम्हारा साथ देंगे ठीक है रो मत रो के ना एक लड़की कमजोर होती है बी स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते और सुनो मैंने आपको बताया ना YouTube पे चैनल है तो छोटी सी क्लिप है ये जैसे आपकी जो ये पब्लिक देख रही है अभी लाइव तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हम शेयर करें देखो कैमरा लगा हुआ है ऐसा सामने बहुत प्यारी लड़की है साइना और अब परेशान नहीं रहना तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूट्यूब पे क्लिप जाए और कुछ कहना चाहते हो छोटा सा मैसेज पब्लिक को देना चाहते हो हाय मैं साइना हूँ इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना थैंक यू कोई छोटा सा मैसेज की रिलेशनशिप में सब कुछ भी रिलेशनशिप में सब कुछ नहीं होना चाहिए अगर पार्टनर अपने दोनों साइड से एग्री है तभी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए अपनी रिलेशनशिप को बिल्कुल समझ गई है लड़की और आप लोग भी ध्यान रखो ऐसी चीज़ों से दूर रहो और यार कोई अगर आपको फोर्सफुली रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो प्लीज़ उसकी कंप्लेन करो एक्शन लो यार उसके खिलाफ और एक लड़की के हाथ में बहुत पावर होती है यार अगर कोई परेशान कर रहा है ये बोल रहा है एसिड फेंकना इतनी बड़ी बात है ये इसने मुझे बताई तो प्लीज़ इसके खिलाफ एक्शन लो क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे डर जाओगे तो उसी का वो आपका फ़ायदा उठाएगा यार प्लीज़ और अच्छे लगे तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टाग्राम पे आ सकते हो थैंक यू